मुरैना जिले में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों में टक्कर मारने से भी बाज नहीं आ रहे। मुरैना के चंबल कमिश्नरी के सामने एक मामला सामने आया। अवैध खनन माफिया ने एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे एसडीएम के परिवार और स्वयं बाल बाल बचे। उनका वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बिदसा जिले के ग्यारसपुर में पदस्थ एसडीएम वीरेंद्र रावत चंबल संभाग के आयुक्त के यहाँ पेशी पर आए हुए थे। उसी समय पत्थर से भरी हुई माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली उनके वाहन पर पलट दी, जिससे एसडीएम बाल बाल बचे। वाहन चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची। उसने मौके से ट्रॉली को जब्त किया और सिविल लाइन थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी। मुरैना संवाददाता सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।